हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह शुभम ब्लॉग्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक मैं एक्सपल्स क्यों लेना चाहिए। सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि हमें एक्सपल्स क्यों नहीं लेना चाहिए, जो कि इसकी नेगेटिव चीज़ थे मैंने वो बताया था। सो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक्सपल्स क्यों लेने चाहिए। और मैंने कुछ 4 से 5 पॉइंट मैंने नोट करके रखा है कि हमें किस वजह से हीरो एक्सपल्स लेनी चाहिए। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की लिंक जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और ये जो वीडियो है मैं काफ़ी शॉर्ट बनाने वाला हूँ, बिकॉज़ मैंने इससे पहले इसके नेगेटिव चीज़ें मैंने बता दी है। सो ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट, जो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक आता होगा यहाँ पे ऊपर, सो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स के बारे में कि हमें ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ कि हमें क्यों लेनी चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो बाइक है दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और जहाँ तक मैंने देखा है, अगर मैं ये बाइक को कहीं भी लेके जाता हूँ, जैसा कोई लॉन्ग रूट पे जाता हूँ या तो फिर मैं किसी गांव या तो फिर कोई अलग दूसरे एरिया में जाता हूँ, तो वहाँ पे ये बाइक को काफ़ी लोग मतलब कंटिन्यू देखते हैं। तो इसकी वजह से ये जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये फर्स्ट पॉइंट है कि ये बाइक हमें लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम कोई लॉन्ग रूट पर जाते हैं, सो ये जो बाइक है टूरिंग के साथ में ऑफ रोडिंग बाइक भी है, सो हमें इसका माइलेज भी अच्छा मिलना चाहिए। तो ये बाइक का जो माइलेज आता है 30 to 35 का माइलेज आ जाता है ऑन हाईवे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि अगर हमें टूरिंग बाइक में इतना अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है तो ये सबसे बेस्ट थिंग। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स, इसके जो स्पेयर पार्ट्स है हर जगह आपको मिल जाएंगे, बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। सो इन केस आपका क्लच केबल कभी ख़राब हो, आप रूट लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, सो आपका क्लच केबल इजीली मिल जाएगा, डिश पैड वगैरह इजीली मिल जाते हैं। सो ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसके स्पेयर पार्ट्स आपको हर जगह पे हर एक स्टेट में मिल जाते हैं। सो इसके वजह से आपको सर्विस सेंटर वगैरह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से पार्ट्स ईजिली अवेलेबल है। कि जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं सो ये बाइक का जो हाइट है वो काफ़ी बढ़िया है, और इसके वजह से कैसा कि जो हम ऑफ रोडिंग करने के टाइम पे नीचे जो पेबल्स आते हैं वो आपके इंजन को जो वो है हिट नहीं करते। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हीरो एक्सपल्स के बारे में। और फिफ्थ पॉइंट ये है, बाइक है बहुत ही हल्की बाइक है, इसको आप कितना भी कैसा भी इसे ऑफ रोडिंग करो, कितना भी गंदा इसे यूज़ करो, सो ये जो बाइक है हल्के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर लेती है। सो ये कुछ 5 पॉइंट जो मुझे इसके पॉजिटिव लगे। सो ये जो 5 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लगे। सो आई होप आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा। सो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अभी कुछ दिनों में मोटो ब्लॉग आने वाला है, अगर ये बारिश रुकती है तो काफ़ी अच्छा एक मोटो ब्लॉग, एक छोटी सी राइड पे मैं जा रहा हूँ। सो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में या तो फिर कोई और एक ऐसी ही वीडियो में। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और